अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने लेके आए हैं न्यू वीडियो, इसमें हम आपको बताएंगे लेडीज सूट काटने का मुकम्मल तरीका जो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमारे पास कपड़ा पड़ा हुआ है कमीज़ के बाजुओं का, इसके मुताबिक हम आपको बताएंगे कमीज़ के बाजू कितने हैं। कमीज़ के जो से बाजुओं की लेंथ है वो है 19.5 इंच और हमें तैयार चाहिए 19.5 इंच। उसके लिए हम यहाँ से इसकी लंबाई लेंगे 20 इंच, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरह, और उसके बाद इसका हम देखेंगे इसका ऑर्मल कितना है। ऑर्मल हमारा आ रहा है 7 इंच, ये इतना, ये 7 इंच आ गया, यहाँ से हमने निशान लगा लिया इसका। उसके बाद जो सा बाजू का आगे वाला हिस्सा है उसका साइज देखेंगे कितना है, हमारे पास नाप पे लिखा हुआ इसका 7 इंच, तो हम इसको काटेंगे 7.5 इंच, ये इस तरह से। यहाँ से हमने निशान लगा लेना इसके एंगल में फोर, इस तरह से कुछ। और अब हम आपको बताएंगे इसकी कटाई करने का तरीका कुछ इस तरह से। ये हमारा एक्स्ट्रा पीस है, ये बाजू हमारा कुछ इस तरह में आएगा, यहाँ तो जितना हमारा आर्मल है उसके ऊपर मैच ले लें, यहाँ तो टुक्का लगा लिया हमने, ये हमारा मुकम्मल बाजू रेडी है। इसको खोल के देखेंगे इस तरह से, ये हमारी शेर है बाजू की। उसके बाद ये हमारी कमीज की फ्रंट और बैक साइड है, दोनों साइडों का हमने प्रेस किया होगा, ये बैक साइड है ये फ्रंट साइड है। सबसे पहले इसकी लेंथ देखेंगे कितनी है, इसकी लेंथ आ रही है 36.5 इंच, हमें चाहिए 37 इंच, ये देखिए ये हमारी 37 इंच पड़ी है, ये हमारा एक्स्ट्रा दबाव है। उसके बाद अब हमने देखना इसका शोल्डर कितना आया, शोल्डर इसका आ रहा 7 इंच, ये देखिए हमने इसको आधे तक बढ़ा के रखना आगे को इस तरह से, यहाँ से 1/2 इंच का हमने डीप करना है इसको इस तरह से। उसके बाद जो सा हमारा ऑर्मल का साइज है वो हमने देखना कितना, वो हमने डाला था बाजू में 7 इंच, यहाँ से हम इसको करेंगे 6.5 इंच, ये इस तरह से निशान लगा लें परफेक्ट तरीके से। उसके बाद इसकी चाक का साइज, चाक और कमर का साइज, ये हमारी कमर बड़ी है और ये हमारे चाक का साइज है, यहाँ से आपने निशान लगाना 13 इंच पर इस तरह से, और उसका सेंटर कर लेना आपने जितना हमारा पेट से फिटिंग आएगी, यहाँ से हमारी फिटिंग आएगी 6.5, ये देखिए आप। उसके बाद जितना भी आपका कमीज का फ्रंट का पेट का जितना भी आपका पैमाइश है उस हिसाब से आप उसको काट लें, मेरे पास जो सा आ रहा है उसकी पैमाइश है चेस्ट की 18.5 इंच, यहाँ आ गया 9.25 इंच, 18.5 का हाफ करेंगे, ये हमारे यहाँ की चेस्ट। उसके बाद रह गया पेट वाला हिस्सा, और पेट यहाँ पर आ रहा है 16.5 इंच, उसका हाफ आएगा 8.25 इंच, ये इस तरह से। उसके बाद रह गया हमारा हिप वाली साइड, हिप हमारी आ रही है 20 इंच, तो हमें यहाँ पर 10 इंच के हिसाब से निशान लगा दें, ये हमारा मार्जिन है 1 इंच का, जिसको हमने फोल्डिंग करना आगे से कुछ इस तरह से। यहाँ से आप स्केल से लाइन लगा लें जितना आपका सेंटर आ रहा है, और उसके बाद यहाँ से आप 1/2 इंच के हिसाब से यू में शेप डाल दें,
इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसको डीप कर लें, ये हमारा फ्रंट साइड, ये हम काट रहे हैं बैक साइड। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, यहां से हमने टुका लगा लिया, ये दो और ये तीन, ये हमारी फिटिंग की सिलाई निकली है। यहाँ से आप फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं इजीली। तो ये हमने मुकम्मल कटाई कर ली कमीज की, ये आपके सामने पड़ा हुआ फ्रंट साइड और बैक साइड। और ये पड़े हुए बाजू, अब हम आपको बताएंगे ट्राउजर काटने का तरीका। ट्राउजर की लेंथ आ रही है 36 इंच जो हमारे पास है, तो 36 लेंथ है इसकी, हमने 3 इंच इसको बढ़ा के रखना, 3 इंच ये हमारा आ रहा है 42 इंच। यहां से हमने करना 2.5 इंच का फासला। अब हमने करना है इसका पॉकेट का साइज कितना, और ये आ रहा है 6.5 इंच, हमें इसको करना है 8 इंच, यहां से भी 8 इंच और यहां से भी 8 इंच इस तरह से। और उसके बाद जो उसका गेट है यानी कि फेर कहते हैं जिसको, ये हमने करना 32 इंच दिया, 32 आ रहा है 16 इंच, ये देखिए इस तरह से। ये आ रही है हमारी वेस्ट, वेस्ट हमें तैयार करनी है 14 इंच। अब हमने कर लिया इसकी आसन का साइज, आसन काट लिया तैयार इसकी 18 इंच। अब आपने इसको वाश लगा दो, कुछ इस तरह से नजर आएंगे आपको वाश लगी हुई। और अब हम करते हैं कटाई, यहां से भी कटिंग कर ली, ये हमारे दो पीस बन गए, दो नीचे वाले दो ऊपर वाले इस तरह से।